का शरद पवार जी को वो अपनी बात रखेंगे। सुनने सके और बहनों भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, यह प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो तो इनके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियां आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी को दिखा रहे हैं, इस वजह से हम लोगों को सोचने का समय आ गया। और सोचना हो, आज केजरीवाल पर हमला हुआ, उनको जेल में भेजा, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इसी तरह से भेजा, और इससे पहले चाहे दिल्ली के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, कई राजनीतिक नेता, चाहे MLA हो या पार्लियामेंट का सदस्य हो, उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया। यह एक्शन संविधान पर हमला है, यह एक्शन प्रजातंत्र पर हमला है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, इस पर हमला होता है, प्रजातंत्र पर हमला होता है, तो हर राजनीति की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा। ये कदम कैसे उठाएंगे, मैं कोई ज्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मगर आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस इलेक्शन में जिस मतदाता केंद्र पर आप जाएंगे, वह एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका वोट लाजिम हो और उनका जो उनके साथीदार है इनके खिलाफ दीजिए, उनके डिफीट करिए और देश के सामने आप गलत रास्ते पर जाते हो। तो इस देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं, वो दीजिए। इतना मैं कहता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। अब मैं जिन्हें इनवाइट करूंगा वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, और अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत की पैदल यात्रा की। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, और उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। जोरदार तालियों से सब साथी स्वागत करेंगे माननीय राहुल गांधी जी का।